अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल में मैक्रोनी चाट। मैक्रोनी तो आपने बहुत सी मेरे चैनल पे देखी होंगी, मैंने आपको बहुत से तरीके से बनाना सिखाया है, लेकिन आज हम बनाएंगे चटपटी सी मैक्रोनी चाट, बहुत ही मज़े की। जब आप इसे ट्राई करोगे ना, आप कहोगे हमें इसे रोज़ खाना है, रोज़ घर में बनाना है। तो बहुत ही मज़े की मैक्रोनी चाट बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैक्रोनी लिए हमने बॉयल की हुई 2 कप, चने लिए हमने बॉयल किए हुए 1 कप, 2 मीडियम साइज के आलू लिए जिनको मैंने छोटा छोटा काट के बॉयल कर लिया, टमाटर लेंगे हम 1 मीडियम साइज का जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया, बीज निकाल के छिलके के साथ ही काटा है, प्याज लेंगे 1 छोटा स्मॉल साइज का, बिल्कुल छोटा छोटा हमने इसे काटा है, कटा हुआ हरा धनिया लेंगे 1 टेबल स्पून, चाट मसाला लेंगे हम हसबे जायका। चाट मसाले की रेसिपी आप ले सकते हैं मेरे चैनल पर, आप सर्च करें चाट मसाला बाय किचन विद आमना तो आपको मिल जाएगा। दही लेंगे हम 1/2 कप, सेव लेंगे हम हसबे जरूरत गार्निश के लिए, कटी हुई हरी मिर्च लेंगे हम 1 अदद, बिल्कुल छोटी छोटी मैंने हरी मिर्च काटी हुई है, इमली का पल्प लेंगे हम 2 टेबल स्पून, थोड़ी सी मैंने इमली ली उसमें 1/2 कप पानी डाला और इसका पल्प निकाल लिया और गारा गारा सा पल्प ये रेडी है। सेव की रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, आप सर्च करें सेव बाय किचन विद आमना तो आपको मिल जाएगी। ये सेव क्या कहते हैं, निमकोनी जैसे होता वैसे ही होते हैं सेम, तो आप बाजार से भी ले सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। तो चलिए आप झटपट चाट रेडी करते हैं। ये चाट आप ईद पे भी बना सकते हैं, इफ्तारी में भी बना सकते हैं और दावत पे भी बना सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट और मज़े की ये चाट है। तो चलिए आप रेडी करते हैं। बाउल में सबसे पहले हम मैक्रोनी डालेंगे, आलू डालेंगे, चने, प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्चें, बाकी की हम गार्निश के लिए बचा लेंगे, टमाटर, थोड़ा सा हम गार्निश के लिए बचा लेंगे, और इमली का पल्प, कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा, बाकी का गार्निश के लिए, और दही। और ये रहा चाट मसाला। नमक मैं नहीं डाल रही दही में क्योंकि चाट मसाले में नमक है, और अब इसे हम मिक्स करेंगे। तो ज़बरदस्ती हमारी चाट रेडी है, अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे बचे हुए टमाटर गार्निश के लिए, हरी मिर्चें, हरा धनिया, चाट मसाला और ये सेव। तो तैयार है हमारी बहुत ही मजे की स्पाइसी स्पाइसी सी मैक्रोनी चाट। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिफरेंट सी रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये चटपटी सी मैक्रोनी चाट की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में से शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।